जय माता दी। स्वागत है हमारे चैनल श्री बालाजी ऑटो पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हमारे पास ये बोलेरो आया है, इसमें एसी का प्रॉब्लम है। अभी हम लोग इसमें एसी का काम करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम लोग इसमें चेक क्या करेंगे दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें गैस है या नहीं है। पहले हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे दोस्तों कि इसके अंदर गैस है या नहीं है। तो ये देख सकते हैं इसमें गैस है थोड़ा बहुत। ये देखिए गैस तो थोड़ा है इसमें। अभी दोस्तों इसका कंप्रेसर ऑन क्यों नहीं हो रहा है, मतलब कि एसी चल क्यों नहीं रहा है, ठंडा क्यों नहीं हो रहा है, उसको हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों इसको मैनिफोल्ड जो ये देख रहे हैं आप, इसको हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे ताकि हम लोगों को प्रेशर इसका पता चले कि प्रेशर बैक प्रेशर कितना आ रहा है एसी चालू करने पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों बैक प्रेशर इसका 100 इस समय आ रहा है बंद पे। अभी दोस्तों इसको हम लोग गाड़ी ऑन करते हैं, गाड़ी ऑन करके चेक करते हैं। हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, देख लीजिए। अब दोस्तों इसका जो स्विच है ये देखिए, इसका फैन काम कर रहा है, हवा काम कर रहा है। ये देखिए ये बटन दबा दिए हैं, अब एसी चलना चाहिए दोस्तों इस पर। लेकिन इसमें देखिए एसी नहीं चल रहा है और कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर, कंप्रेसर वहीं का वहीं रुका हुआ है। तो अब हम लोग इसका वायरिंग चेक करेंगे। सबसे पहले इसका फ्यूज देख लेंगे, फ्यूज में क्या दिक्कत है, फ्यूज है सही है या नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इसका फ्यूज बॉक्स का ढक्कन, और ये देखिए यही है इसका एसी का फ्यूज। तो हमने इसका एसी का फ्यूज देखिए यहाँ पे चेक किया है, इसका फ्यूज जैसे एक्चुअली देखिए दोस्तों यहाँ पे जल गया है, ये देखिए। तो पीछे एक फ्यूज इसका लगा दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट भी कर दिया गया है, कोई डायरेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब यहाँ से ओके ही है। अब हम लोग गाड़ी के अंदर सब दूसरा सेकंड क्या पॉइंट होता है चेक करने का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकंड पे हम लोग इसका वायरिंग ये देखिए निकाल लेंगे, इसका एक्चुअली स्विच का वायर है ये देखिए यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अब इसको हम लोग डायरेक्ट करके चेक कर लेंगे, इसका चेक करने का ऑप्शन दो ही तार है तो डायरेक्ट हो जाएगा चेक। जैसे डायरेक्ट किए हैं हमारा कंप्रेसर ऑन हो गया, देखिए बंद है, बंद हो गया अभी। और जैसे ही वहाँ पे वायर लगा रहे हैं स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब ये इसका जो स्पीड है ये खराब है, हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे, दूसरा डालेंगे। तो इसमें दोस्तों अभी हम लोग जो प्रेशर इसमें बचा हल्का फुल्का इसको निकाल देंगे, और निकाल कर इसका जो भी उसके बाद स्विच हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो थोड़ा सा इसमें गैस है, बहुत ज़्यादा गैस है नहीं, गाड़ी के अंदर देखिए प्रेशर ही बच रहा है, खाली हल्का गैस भी है इसमें, इसको सारा हम निकाल देंगे। तो दोस्तों इसको संभाल कर आप लोगों को खोल लेना है, जैसे कि मैं आप देख सकते हैं ये देखिए, अगर संभाल के नहीं खोलेंगे तो ये पाइप टूट सकता है। तो ये हमारा जो स्विच है, ये हमारा स्विच हो गया है, इसको लगाना है दोस्तों। ये देखिए ये न्यू स्विच है इसका, तो ये स्विच हम लोग इसके अंदर फिटिंग कर देंगे, पर इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे कंप्रेसर ऑयल, ताकि ये ओरिंग प्रॉपर उसके अंदर बैठ जाए, लीकेज ना करे दोस्तों। तो इसके लिए इसको अब लोग हम लोग बदलते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको फिटिंग कर देंगे दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, और इसको अच्छे से फिटिंग कीजिए ताकि इसका जो लीकेज है वो लीकेज मतलब लीकेज ना हो यहाँ पे, नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि फिटिंग के बाद लीकेज हो जाता है। और प्लस इसके बाद हम लोग दूसरी बार एक बार चेक भी कर लेंगे दोस्तों कि इसका लीकेज क्या पता नाइट्रोजन डालकर कि लीकेज है या नहीं है, क्योंकि लीकेज नहीं चेक करेंगे और मान लीजिए गैस डाले लीकेज हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए इस बार एक बार हम लोग इसको फाइनली चेक कर लेंगे। ये देखिए प्रॉपर फिटिंग हो गया है स्विच,
थोड़ा गैप तो नहीं लग रहा है, पर दोस्तों इसको डबल चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं चेक करेंगे तो लीकेज होने का चांसेस हो सकता है और गैस का नुकसान हो जाएगा इसमें। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने नाइट्रोजन का कनेक्शन कर दिया और ये देखिए प्रेशर यहाँ पर आपका जा रहा है, मतलब इसमें 200 प्रेशर डालेंगे क्योंकि ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो 200 डालकर यहाँ पर इसका जो HP स्विच है वो हम लोग चेक कर लेंगे। बाकी लीकेज इसमें था नहीं क्योंकि प्रेशर तो पहले से गैस था, तो इसलिए लीकेज तो था नहीं, इसीलिए इसको हम लोग 200 प्रेशर इसमें डालेंगे। 200 प्रेशर हमने डाल दिया और यहाँ पर हम लोग लीकेज चेक कर लेंगे एक बार, लीकेज है या नहीं है ये देखिए। वैसे लीकेज होना नहीं चाहिए पर दोस्तों होगा भी नहीं, वैसे है नहीं यहाँ पर कोई लीकेज, देख लीजिए आप। तो डबल चेक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नहीं चेक करेंगे और इनकेस शायद अगर लीकेज हो गया दोस्तों तो फिर आपका पूरे का पूरे एक बोतल गैस यहां से नुकसान हो जाएगा। और प्लस कस्टमर आप बना के भी देंगे तो कस्टमर कहेगा कि क्या बना के दिए कि इतना जल्दी कूलिंग ख़त्म हो गया, क्योंकि अगर मामूली लीकेज रहेगा तो आपका एक महीने दो महीने में गैस निकल जाएगा। तो आप देखिए अभी हमारा नाइट्रोजन भी स्टेबल है और यहाँ पर हमारा HP स्विच पर लीकेज भी नहीं है, तो थोड़ी देर इसको 10 मिनट तक हम लोग होल्ड कर लेंगे। होल्ड के बाद इसमें गैस का प्रोसेस करेंगे, गैस डालने का। आप देख सकते हैं दोस्तों 200 का 200 प्रेशर है और 10 से 15 मिनट हम लोगों को हो गया है। तो अब इसका जो भी नाइट्रोजन है सारा हम लोग निकाल देंगे। इसका सारा नाइट्रोजन निकाल देंगे और उसके बाद इसमें गैस डालेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे फ्लोरोन 134 ये ले लिया है और इसका ये जो चार्जिंग वाला है ये देख लीजिए, इसमें हम लोगों को लगा लेना हम लोगों को। बहुत लोग हमारे वीडियो पे कमेंट करते हैं दोस्तों कि गैस कैसे पड़ता है, तो इसमें बहुत कुछ साइंस नहीं है दोस्तों, आपको क्या करना है ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चार्जिंग वाला है, इसको जैसे ही टाइट करेंगे ये जो पॉइंट है ये बाहर निकल जाएगा और इसके अंदर होल्ड कर देगा, और होल्ड कर देगा तो ये खुल जाएगा पूरा। तो ये एक सिंपल सा स्टेप है, बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते ही रहते हैं हमेशा, तो इस चीज़ को मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए इसको ऐसे लगा देना है। सेकंड आपको क्या करना क्या है, मैनिफोल्ड पे एक पाइप इसमें लगाइए देख लीजिए, अब दूसरा यहाँ पे ये लगा देंगे हम लोग। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट कर एसी ऑन कर लेंगे, उतने में हमारा काम हो जाएगा। अभी हम लोग गाड़ी पहले स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा एसी ऑन ही रखे थे, देखिए फैन भी हवा भी आ रहा है और ये हमारा दो पे एसी रख रहा है। और ये देखिए स्विच है इसका एसी वाला, और ये इसका मेन है जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है दोस्तों। तो ये हमने ऑन कर दिया है, अब हम लोग गैस इसमें डालते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे हमने HP जो नया लगाया था इसका वायर जो कम्प्लीट लगा दिया है। अब इसका गैस हम लोग डालते हैं इसके अंदर, गैस डालकर कम्प्लीट आपको कूलिंग करके दिखाते हैं मीटर के अंदर कि कितना इसके अंदर कूलिंग कर रहा है। चालू ही रह गया था, अभी देखिए दोस्तों हमारा कंप्रेसर ऑन हो गया है। कंप्रेसर का जैसे ही थोड़ा सा गैस पड़ा है HP उसका काम कर दिया है और ये कंप्रेसर ऑन हो गया है। तो यही होता है दोस्तों, HP जब भी ख़राब होता है तो कंप्रेसर ऑन नहीं होता है। अभी हम लोग गैस डाल रहे हैं, पूरा गैस पड़ जाएगा, जैसे ही पड़ जाएगा वैसे ये अभी आ जाएगा अपने जगह पर। गैस कंप्लीट हो गया है यहाँ पे दोस्तों, अभी फिलहाल 50 पे दिखा रहा है, तो अभी इसको धीरे धीरे और कम होगा यहाँ पे। ये देखिए धीरे धीरे 40 पे आ गया है, मतलब इसका कूलिंग काम करने लगा। और ये देखिए पाइप भी एकदम पूरा ठंडा करने लगा। तो दोस्तों अभी मीटर के अंदर मीटर हम लोग लगा के आपको दिखाते हैं कि इसका कूलिंग कितना अंदर दिखा रहा है। यहाँ पर कूलिंग आने लगा है, अभी मीटर हम लगा के आपको दिखा देते हैं। कूलिंग बहुत बेहतरीन कर रहा है। और ये देखिए हमारा ये जो टेम्परेचर मीटर है इसको हम लोग ऑन कर लेंगे, और वैसे आपको मैं दिखा देता हूँ बाहर का टेम्परेचर कितना है। इसमें बाहर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट हीट है काफ़ी, मतलब 26 आ रहा है। अभी इसके अंदर लगा के हम चेक कर दे रहे हैं आपको। तो प्रेजेंट टाइम में देखिए दोस्तों 26 था, अभी देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है।
ये 20 आ गया है, ये धीरे धीरे अभी देखिए 10 तक जाएगा, 10 तक ऑलमोस्ट हमको लग रहा है जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे ही गाड़ी के अंदर कूलिंग आएगा पूरा, वैसे ही ये धीरे धीरे कम होते जाएगा। और हमारा प्रेजेंट टाइम में एसी ऑन है, ये देख सकते हैं आप, दो पे हम रखे हैं ऑन एसी को, और ये देखिए 12.4, इसमें देखिए 11.9 हो गया दोस्तों। इसका मतलब जितना ठंडा होगा उतना ही ये टेम्परेचर कम होगा, तो ये आप देख सकते हैं, ये आप देख लीजिए दोस्तों 7 के करीब में आ गया है यहाँ पे अभी। और दोस्तों इसका बोलेरो में अगर इतना आ रहा है तो सोचिए दोस्तों कि हम लोग काम जिस तरह से करते हैं गाड़ियों में, कूलिंग कैसा हम लोगों का मिलता होगा, मतलब हम लोग जो काम करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपने देखा दोस्तों कि हमारा टेम्परेचर यूनिट ये देखिए 6.4 के करीब में, मतलब हमारा अंदर कूलिंग है दोस्तों, मतलब 6 डिग्री, मतलब बहुत बार ऐसा होता है। देखिए कूलिंग मतलब कितना बेहतरीन, अगर बोलेरो में इस तरह से कर रहा है तो मतलब आप सोच सकते हैं क्या अगर हम कार और बनाते हैं तो कैसे कूलिंग करता। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद। मैं मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए टॉपिक पर। और दोस्तों यहाँ पर हमारा फाइनल काम हो गया डन,